रीवा के राजनिवास भवन में हुए रेप कांड को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के बाद अब आज आम आदमी पार्टी ने राजनिवास भवन में रूम बुक करने वाले एसडीएम पर कार्यवाही की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मामले को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मंत्री बिसाहू लाल के कहने पर एसडीएम ने रूम नंबर 4 का अलॉटमेंट किया था। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव करने जा रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीवा के राजनिवास भवन में हुए रेप कांड मामले पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर अब आज आम आदमी पार्टी ने तकरीबन सैकड़ा भर कार्यकर्ताओं ने सिरमौर चौराहा में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल रीवा राजनिवास भवन में हुई रेप कांड की घटना पर राजनिवास भवन में रूम बुक करने वाले एसडीएम अनुराग तिवारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने का प्रयास किया था और तब राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेप कांड का मुख्य आरोपी महंत सीताराम समदरिया बिल्डर्स के बुलाने पर रीवा आया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया, जिसके तहत अब आम आदमी पार्टी ने समदरिया बिल्डर्स के भवन को गिराने की भी मांग की है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने गेस्ट हाउस रेप कांड में मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंत्री बिसाहू लाल के कहने पर रीवा की राजनिवास भवन में आरोपी विनोद पांडे के नाम से अंशुल मिश्रा नाम के आरोपी ने रूम बुक कराया था, जिस पर अब आम आदमी पार्टी ने मंत्री के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इस बात के लिए कि जिस प्रकार से कमरा नंबर 4 पर किसको बुकिंग की और एसडीएम जो है हुजूर को निलंबित क्यों नहीं किया गया जबकि अपराधी को उसने किया, इस बात को लेकर हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग की गिरफ्तारी हुई है, हम सब लोग यहां पर गिरफ्तार होकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डीएम जो हैं इस बात को उनको निलंबित करेंगे और बिसाहू लाल और आयन शुक्ला जी बताएंगे कि 4 नंबर कमरा हमारे द्वारा बुक किया गया तो उसको क्यों बुक किया गया था। यहां पर जो है हम लोग जो है 250 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और हम लोग जो है इसमें से यहां से मांग करते हुए यहां से जा रहे हैं। आंदोलन आज ही हुआ था, आज ही काम था। धन्यवाद। जलाने की बात कही थी उसको रोक लिया गया। समदरिया के सामने देखिए आप, इस तरह लोग आया हुआ है, हम मुंडेल लेके आए थे उसके लिए नहीं लगाया। इसके बाद कभी नहीं धरना प्रदर्शन किस नाम को लेकर था? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के द्वारा पर आज यहाँ पर सिरमौर चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है, तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई है। एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मामले की कार्यवाही की जो जांच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है पुलिस और प्रशासन कर रहा है। सीएम के आदेश के बाद भी एसडीएम पर कार्यवाही नहीं हुई क्यों? नहीं, सीएम ने जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए थे सीएम साहब ने मंच से, वो जांच कार्यवाही पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। जो भी लोग उसके सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक जांच की जा रही है। एक मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है, मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है कि मंत्री के कहने पर। अब वो उनका धरना प्रदर्शन है, वो अपना नाम जिसका भी ले रहे हैं। ये लगभग अभी संख्या में 50 लोग दिख रहे हैं, 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। कौन पार्टी के? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई की।